महोबा जनपद के रूरी कला गांव के इस रोते बिलखते परिवार की जिंदगी मानो थम सी गई है। पहले ही घर में दरिद्रता ने पैर जमाए हुए थे, किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था ये परिवार, लेकिन अब ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखर कर रह गया। परिवार का मुखिया, जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और इस परिवार का भी गुनाहगार कोई और नहीं, कर्ज और देवी आपदा की वजह से बर्बाद फसले हैं। दरअसल कुतुबुद्दीन ने इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक से 40,000 रुपए का ग्रीन कार्ड का कर्जा लिया हुआ था। साहूकारों का भी 2 लाख से ज्यादा का कर्जा था। सोचा था कि फसल अच्छी होगी तो पूरा कर्ज चुकता कर देगा, लेकिन इस बदनसीब की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। 35 साल का ये किसान अपने खेतों पर फसल देखने के लिए गया, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद फसलों को देखकर वो गमगीन हो गया। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। खेतों से घर लौटा, लेकिन कर्ज और बर्बाद फसलों का सदमा उसकी जिंदगी पर भारी पड़ा। बिजली का तार इसके ऊपर गिर गया है, ऑन स्पॉट खत्म हो गया। रात सब सामने से उतने टाइम से दे रहे हैं साहब को, यहाँ 100 नंबर में किया है, कहीं किसी को तिवारी जी ने भी किया है, अध्यक्ष के किया है, हाँ, और प्रधान जी ने भी किया है, लेकिन पुलिस नहीं आई। कुतुबुद्दीन की पत्नी और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस भरी दुनिया में कैसे जिएंगे वो। वही उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ मोहम्मद रिजवान का कहना है कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसके परिवार को लाभ योजना के तहत 30,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इसके अलावा ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा भी दिया जाएगा। बिजली के तार से करंट लगने से मृत्यु होना लिखा है। 22/14 को शाम करीब 5:30 बजे। सर आज कौन सी डेट है? 28। कितना समय हो गया सर? अब जितना हो गया आप जान रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि ये पहला मामला नहीं है जब एक कर्ज में डूबे किसान ने मौत को गले लगाया हो। आए दिन कर्ज और बर्बाद फसलों का दंश किसानों की जान ले रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरकार और प्रशासन इन किसानों को मुआवजे का मरहम लगा खाना पूर्ति कर लेती है, लेकिन इस बात पर गौर करना कतई जरूरी नहीं समझती कि आखिर क्यों किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। महोबा से साधना न्यूज के लिए तेज प्रताप सिंह की रिपोर्ट।